सो गाइस अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने एक एगुआना पड़ी हुई है। तो अभी एक और थी, इनकी अभी लड़ाई हो रही थी। और अभी बता क्या। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय माता की, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर हमारे न्यू ब्लॉग में। अभी बैठे हुए मैं और तनीषा। गाइस देखो, तनीषा के पास है कॉफी, कितनी प्यारी लग रही है ना डिजाइन में। ये देखो चिड़िया उड़ रही है भाई, बहुत रियली बहुत ज्यादा लवली लग रही है। तनीषा कॉफी हटा लो प्लीज। हाँ, और आज हम कर रहे हैं व्लॉग की शुरुआत, संडे का दिन है। पीछे से भी देखो, पीछे से भी देखो, जी कह रही पीछे से भी देख लीजिए। तो गाइस प्लीज लुक एट बैक साइड, हटा ले यार। तो कैसी लगी आपको जीजी की चिड़िया वाली कॉपी? तो व्लॉग की शुरुआत हम अच्छा खासा कर ही रहे हैं, संडे का दिन है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। और आज मस्ती का दिन है, फुल एंजॉयमेंट करेंगे। सबको दिन निकलते नींद आ रही है। भैया अभी आ गया हमारा, सुबह से बारिश भी ना लिया और समय हो रहा है 11:15। संडे का दिन आराम से नहाए, आराम से सोकर उठे, ये सब बाबू आ गए हैं सामने हमारे। और तुम गाइस को सरप्राइज कब दोगे घूमने का? मैं सरप्राइज भी हो जाएगा, देखते हैं घूमने का क्या प्लान चलता है। अब हम तीनों के तीनों एक फ्रेम में आ चुके हैं, काफी मेहनत करनी पड़ी है। आज मैं मोबाइल के बैक कैमरे से, बैक कैमरा बोलते हैं ना, फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा, रियर बोलते हैं शायद, बताना हमें। आज मतलब बैक साइड वाले कैमरे से, बड़े वाले कैमरे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सामने के कैमरे में। और मैंने अभी मोबाइल वीडियो चालू किया, सामने से कोई मुझे आवाज लगा रहा है, मेरा मन ना कर रहा अभी जाने का, मैं तो बैठा रहूंगा। सो गाइस आप देख सकते हैं इस खतरनाक से जीव को। अभी एक तो ये है और एक और था, आप देख सकते हैं इसके मुंह पे खून के दाग लग रहे हैं। इनकी घमासान युद्ध हुआ इनका, और घमासान युद्ध के बाद में अभी ये हार चुके हैं और अब ये यहाँ पे बैठे हैं। जस्ट ये मेरे कितनी सी दूर है, मैं अभी किसी को नहीं बताऊंगा, बस ये फुल इतनी दूर है मेरे से और मैं इसके बहुत दूर से कैमरा लेके जा रहा हूँ। अब तो इसकी डेथ हो चुकी है, डेथ नहीं हुई, जिंदा है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, देखना अगर मैंने इसके पास में अपना हाथ रख दिया तो ये कुछ ना कुछ एंगुलेशन करेगा। और मैं सो गाइस अभी हमने देखी एक एगुआना, वो उनकी ना लड़ाई हो रही थी, तो फिर बाद में वो उनकी लड़ाई हो रही थी तो फिर बाद में मैंने देखा कि इनकी लड़ाई हो रही है, मैंने सोचा कि किसी को बचाना चाहिए, मैं डंडा लेके गया और मैंने दोनों को अलग करने की सोचा, तो मैं दोनों को अलग कर रहा था। एक ने उसको मुंह में रख के खींचने लग गया, मैंने को उसके पूंछ पर डंडा रख दिया कि ना खींचे, और फिर बाद में मैंने हटा दिया, वो खींच के ले गया और उसने फिर बाद में वहां पे जाके नीचे गिरा दिया। और इसका मुंह खुल के इसके मुंह में से अजीब सी चीज निकली थी, वो मैंने फेंक दी और चींटियों खा गई इसको। अब तो मैंने अभी तो वो फेंक दिया, खींची, आराम फरमा रहे हैं। ये इतना खतरनाक हो सकता है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, मैंने जूम कर रखा है, जूम नहीं कर रखा है मैंने, ये इतना बड़ा है, लिटरली इतना बड़ा है कि मैंने इसको खुद परास्त किया और इसका एक मेंबर भाग के ऊपर चला गया। देखो अभी मैं इसकी हाइट ना आपको बताता हूँ, इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। बड़े खतरनाक लग रहा है एगुआना भाई, ये तो मुझे देख रहा है, ये कह रहा है मैं अभी तुझे अपने पार्टनर से बताता हूँ इसके दिमाग में क्या चल रहा है। चलो पढ़ते हैं जूम करके। अरे अच्छा, इसके दिमाग में चल रहा है, बेटा कल तेरा पेपर है, याद कर ले, मेरे को छोड़। अच्छा तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी मैं याद करके ही आ रहा हूँ, अभी नहीं मैंने याद करा था, अरे यार मैं 3:30 बजे तो उठा, हाँ मैंने याद करा 4 बजे याद करा था भाई साहब। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, और इसकी शेप कुछ इस प्रकार है। ये इतना खतरनाक लग रहा है गाइस, लिटरली इतना खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक ये लग रहा है। और अब देखो इसकी एंगुलेशन देखना, वो शेप देखना इसकी, यहाँ से मोटा, फिर यहाँ से डिप्स मार रहा है, और फिर बाद में पेट इसका मोटा, और फिर बाद में टांगे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे।
इंस्टेंट शुरू हो गया है। आज बनाया हमारे यहाँ पे आलू की खिचड़ी विद आंगो वाला ना मैंगो वाला चार आम का चार सब बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं आजकल मेरे को। मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ निकल कुछ खाया था क्या चक्कर है। तनिजा सामने बैठी हुई चमक नहीं रही, व्हाइट व्हाइट चौंध आ रही है ना बाहर से, इसलिए अभी मैं आम का चार कह रहा एंगो वाला चार मैंगो वाला चार हो जाता। देखते हैं, देखना तो बड़ी टेस्टी लग रही है, मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है, खाने में कैसी लग रही है देख कर बताता हूँ। आलू की खिचड़ी विद अचार, अचार तो बहुत सारा है मेरे पास, इतना ना खाया जाएगा। टेलीविजन पर आ रहा है बहुत बढ़िया वाला प्रोग्राम, मैं तो कभी भी देखूं, मुझे हमेशा चलता है हमेशा कॉमेडी। क्या नाम है उसका, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, टीएमसी के देखना पसंद करेंगे थोड़ा सा। पुराना शो आ रहा, अरे कितना क्लियर हो गया, अब तो इसमें ऊपर से चलनी बंद हो गई भाई। वाह, वरना जब भी हम टीवी चलाते हैं ना ऐसे ऐसे भी देख लो, बोर नहीं हो सकते। कितने मोटे स्वेटर तभी कॉमेडी शुरू हो जाएगी। खाना आ गया मेरा, खाना खाएंगे। खाने में है, खाने में क्या है, दाल रोटी और मैं मंगाऊ साथ में अचार, थोड़ा सा अचार तो मैं तेरे छीन लूंगा, बहुत सारा इस पे मेरा, और मुझे मिलेगा साथ में गुड़। आओगे खाना खा ले पहले, खाते खाते यार वीडियो नहीं हो पाएगी ना, ठीक है यार देखते हैं क्या करते हैं। खाना आ गया है, दाल है, केले के साइज है, रोटी है, अचार है, और अब मैंने मंगाया है सिरके वाली मूली, बड़ी टेस्टी लगती है सिरके में मूली डाल लो। तनिजा ने शायद नहीं खाया आज तक, कभी तनिजा खाए इसने नहीं खाए हैं, अरे एक बार खा के तो देख कितनी बेस्ट लगे, अब कर दे बढ़िया वाले इस पर। एक चल रही फिल्म आ रही है वाह, पुरानी होगी पर अच्छी लगती है। दोनों भाई बहनों की लड़ाई चालू, अब से पहले कुछ टाइम पहले तो आईएएस के पेपर चल रहे थे, वो कल से शुरुआत है तनिजा के एग्जाम्स की, तनिजा जी कर रही है तैयार, आईएएस के खत्म हो गए हैं, कल लास्ट पेपर इसका पुस्तक लगा प्रैक्टिकल, वो तनिजा कर रही है एग्जाम की तैयारी। भाई करते 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 जीजी का मूड खराब हो चुका है। जीजी का पेपर है कल संस्कृत का, संस्कृत की स्पेलिंग याद है? हाँ, सब सब्जेक्ट की स्पेलिंग याद करके ले जाइयो, मैं भूल जावा स्पेलिंग। गाइस देखो हिंदी के पेपर में कह रहा मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इंग्लिश में लिखूंगा तो इंग्लिश में लिखे थे, चलो ठीक है सही है तैयारी करते रहो। तो तनिषा जी कल के लिए ऑल द बेस्ट, अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं, बेस्ट बोला किसी ने भी तुझे, तू पैर छू कर जाया करा किसी के, हाँ सबको पूछ, उसको पढ़ने दे पहले, पैरों के पीछे से निकल उसके, चल नहीं हटा हटा हटा। सो गाइस मैं हूँ चमनप्रास सिंह, मैं खाता हूँ चमनप्रास दो दो कट्टे भर के। सो गाइस मैं हूँ चमनप्रास सिंह, मैं खाता हूँ कट्टे भर के चमनप्रास, कहाँ से मिलता है चमनप्रास, दुकान से मिलता है चमनप्रास। कट्टे भर का तो कोई भी ना खाता, तू कहाँ से खा लेगा कट्टे भर के, कट्टे मैं डब्बा रख दूँ खा रही हूँ, कट्टा भर के डिब्बा है, डिब्बा भर के कट्टा, अच्छा कट्टा होता है, कट्टे में डिब्बा रखा ताकि किसी को पता ना लगे, मैं उसने ले चम्मच खा लिया, ठीक है कट्टा। ये तो सारी बात पागलों वाली होती है, पता ना कब बड़ा हो गया भाई, मैं लगभग 12-13 साल का बच्चा हो गया, अभी तक कोई भी इसमें वो नहीं है, यहाँ बड़प्पन वाली बात कुछ आ रही है, कभी कुछ बात पता ना कैसे इसके बालक पैदल चलेंगे। देखो अब भी शीशे में कार्टून बना कर रहा है, अब भी कमांग आ रही है, अरे बहन पढ़ ले थोड़ी देर, तू भी पढ़ ले थोड़ी देर बैठ के ना, मैंने याद कर लिया, अब मैं मम्मी के बर्तन लिखाऊंगा, बर्तन चलो ये वाले काम कर जा, बर्तन मांगे मम्मी के बर्तन ही तो लेकर आ रहा हूँ, चल जा प्रणव की याद करने में, सुनने उनने में कुछ है तो कुछ याद हो रहा है, वैसे खाने में उल्टा काम हुआ हमारे यहाँ का, नहीं था दोपहर खाना होना चाहिए दाल रोटी वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो बना दिया, अब खाना हल्का होना चाहिए, तो दोपहर बना दिया खिचड़ी हल्का खाना, मजा नहीं आया, खिचड़ी तो टेस्टी थी बट उल्टा सीधा, देखो जा रहा वहां से, मैंने कहा था ना उसे पहले गाइस उल्टे काम करता है, अब देखो बट जा बच्चे ऐसे क्या उल्टे काम कर रहा है तुम्हें, उसका मूड खराब है, सारी किताब कॉपी तेरे मुंह पे कमा रहा है, बहुत देर से पढ़ रही है। तो गाइस आप ले सकते हैं, ले लो बर्तन भांडे हैं, बेटा रसोई में रखा गंदे काम मत कर गाइस के सामने, वरना सब बोलेंगे किस तरह से करके काम भी करवाओ मैं, वैसे करने से बहुत पसंद है औरतों वाले काम, लेडीज वाले काम, चाय बनवा लो किचन में घुसा जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में।